और उज्जैन में एक बार फिर राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी शुरुआत की। ये आयोजन अंकपाद क्षेत्र में हुआ, जहां सीएम मोहन यादव अनोखे अंदाज में दिखे। उन्होंने राहगिरी आनंद उत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए लट घुमाया तो घोड़े पर सवारी भी की, भगवान राम का भजन भी गाया। सीएम ने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना की। कल एक बड़ी घटना और घटना तो क्या, ये एक तरह से हमारे लिए पवित्रतम क्षण रहेगा। कल भगवान राम का गर्भगृह में प्रवेश होने वाला है। मध्यप्रदेश सरकार लगातार 16 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक ये पूरा अभियान जनता के साथ जुड़ करके भगवान राम के उस घटनाक्रम के लिए अपनी पलक पावड़े बिछा के तैयारी कर रही है। आज उज्जैन में भगवान सांदीपनी आश्रम तक हमने पूरे इस वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों के पास से राहगिरी का आयोजन किया, जिसमें पूरा उज्जैन उमड़ा है। भगवान राम की सवारी निकाली गई, जगह जगह आयोजन हो रहे हैं और ये सब एहसास कराता है कि भगवान राम के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा हम सबकी है। परमात्मा की दया से ये मौका आया है। लगभग 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन से जाकर के अयोध्या का जीर्णोद्धार कराया था, भगवान राम का मंदिर बनाया था। सरयू के किनारे जो मंदिर बाबर द्वारा तोड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पुनः उसका जीर्णोद्धार हो रहा, नया एक तरह से मंदिर बन रहा है। और इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे, बाकी लोग भी मौजूद रहेंगे। मैं आप सबके माध्यम से कामना करता हूँ कि अविस्मरणीय अवसर को